हमारे पास ऐसे कस्टमर भी हैं, जब तक आलू नहीं बने होंगे तो पूरी नहीं खाएंगे, आलू बने हैं तो पूरी खाएंगे। तो अब आ गए जी आलू, ये देखो भाई सीधे जाएंगे इस मसाले में। वाह भाई, अब ये आलू हो रहे हैं जी मसाले में मिक्स। तो ये अराउंड 20 किलो आलू बने हैं इस कढ़ाई में, और ये इस पतीले में चले गए हैं, थोड़े इसमें जा रहे हैं, इस पतीले में जा रहे हैं जी। वाह, ये कौन सी दाल है? ये वाइट माश की दाल होती है, बस दिखाना मेरे हाथ में। तो ये देखो यार, वाइट माश की दाल है, इसकी पिट्ठी डलती है जी पूड़ी में। यहाँ पे हम सिर्फ आपको डेमो दिखाएंगे, प्रॉपर जो मंदी है वो शॉप पे बन रही है इनकी। ये इनके किचन में आए हैं हम, बिल्कुल पास में रहता है इनका किचन भी, और साफ़ सफाई बढ़िया सी है। तो लोगों को ना 7 से 8 घंटे रखना पड़ता है, ये रात की प्रिपरेशन होती है, फिर मॉर्निंग में ऐसे बन के आते हैं ये। देखो यार, मसाला जाने के बाद ना एकदम से खुशबू चेंज हो गई है, कलर्स में भी चेंजिंग आ गई है, बहुत बढ़िया से खुशबू लग रही है। ये देखो यार, वाह। तो दोस्तों आज हम आ गए जी कनक मंडी चौक पर, यहाँ पे बताने वाले आपको चांदनी दी हट्टी की पूड़ियाँ, छोले और आलू कैसे बनते हैं। और इनके आलू की इतनी खासियत है कि आलू अगर नहीं होंगे तो लोग पूड़ी नहीं खाएंगे, वेट करेंगे आलू जब तक आएंगे, क्योंकि इनकी सब्जी एकदम अलग है, बढ़िया है। लेट्स गो। यहाँ पे क्या क्या पड़ा? ये जी हल्दी, और यहाँ पे आ गई लाल मिर्च, और ये आ गया जी गरम मसाला। पहले आ गया गरम मसाला, फिर आ गई हल्दी, अब आ गई लाल मिर्च। तो सभी चीज़ों के मिलने के बाद अभी जा रहा है जी बीच में दही। ये देखो यार, तो अब आ गए जी आलू, ये देखो भाई, और सीधे जाएंगे इस मसाले में। वाह भाई, अब ये आलू हो रहे हैं जी मसाले में मिक्स, प्रॉपरली दही वाले आलू बनने वाले हैं। वाह, खुशबू एकदम बढ़िया सी आ रही है, लाजवाब सी। तो अभी पानी डाल दिएगा इसके बाद, मतलब अच्छे से आधा घंटा पकाओगे इसको, इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से आएगी जी कसूरी मेथी, डाल दिया जाए भाई। तो ये देखो यार, आलू हो गए जी रेडी, और सीधे आएंगे कंटेनर्स में, और फिर जाएंगे ये शॉप पे। और लुक एट द कलर, और इतना बढ़िया अरोमा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। सुबह सुबह का टाइम है, और ऐसा नाश्ता मिल जाए ना, जाने की पूड़ी मिल जाए तो कि चाहिए क्या भाई। ये देखो यार, वाह भाई वाह। तो ये अराउंड 20 किलो आलू बने हैं इस कढ़ाई में, और ये इस पतीले में चले गए हैं, थोड़े इसमें जा रहे हैं, इस पतीले में अभी डाल दिए जाएंगे। ये देखो, थोड़े इस पतीले में जा रहे हैं जी। वाह, तो भैया बताते हैं कि आलू खाने लोग ना स्पेशली आते हैं, जब तक आलू नहीं ना होते, अगर आलू कभी ख़त्म हो जाए तो लोग पूड़ी नहीं खाते, वेट करते हैं जब तक आलू आएंगे तभी पूड़ी खाएंगे। तो भाई साहब इतनी डिमांड है इनके आलूओं की, और देख के मुझे लग रहा है कि बढ़िया होने वाला है, टेस्ट में ज़बरदस्त होने वाला है। भैया अभी राजमा वगैरह बना रहे हैं, आपको क्या खाना पसंद है यहाँ पे? मेरे को राजमा चावल। राजमा चावल जी जी। पूड़ी? पूड़ी कम है। पूड़ी कम खाते हो? पूड़ी कम। क्या बात, राजमा चावल पसंद है। और कितनी देर से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? हम गए हो गए 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल। यहाँ पे बन रहे हैं जी छोले, और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं भैया आप बता रहे थे? लोगों को ना 7 से 8 घंटे रखना पड़ता है, ये रात की प्रिपरेशन होती है, फिर मॉर्निंग में ऐसे बन के आते हैं ये। अच्छा हाँ जी, पूरी रात मतलब
धीमी आंच पे बनते बिल्कुल, रहते बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपकी दाल बनती है ना माश की, वैसे ही ये चने होते हैं। वाह, फिर ये सुबह तैयार हो जाते हैं, फिर ये खाते हैं। छोले रेडी होने लगे हैं जी, सबसे पहले आ जाएगा घी, घी के बाद आ गई जी लाल मिर्च, साथ में ऊपर से आ गया इनका गरम मसाला। तो ये देखो यार, पूरा मसाला जो है रेडी हो गया, ये सीधा जाएगा जी छोलों में। वाह, तो ये देखो यार, मसाला जाने के बाद ना एकदम से खुशबू चेंज हो गई है, कलर्स में भी चेंजिंग आ गई है, बहुत बढ़िया से खुशबू लग रही है। ये देखो, तो वेट नहीं करते, अब सीधे स्वाद करते हैं और बताते हैं जी कैसा है स्वाद। ये देखो यार, वाह, तो ये रेडी हो गया जी डिप कुलचा चने वाला। वाह यार, कितना कलरफुल बढ़िया सा लग रहा है। और ये ऊपर से आलू आ गए, तो जो आलू बन के आए थे डाल दिए गए हैं, अभी और डाल रहे हैं। वाह भाई वाह, तो ये देखो यार, अभी छोले भी अच्छे से डाले जा रहे हैं कंटेनर में। तो सबसे पहले हमारे लिए आ जाएंगे जी छोले, ये आ गए जी आलू, चटनी वगैरह सेपरेट रहेगी, और साथ में लगाएंगे जी दो पूड़ी, और प्रॉपर पत्तल की प्लेट में देते हैं। ये देखो दिखाना, वाह ये देखो यार, पत्तल की प्लेट में रहते हैं आलू और छोले आ गए, साथ में पूड़ी खाते हैं, बताते हैं जी कैसा है स्वाद। तो ये आ गए जी पूड़ी के लिए पेड़े, जिसमें पिट्टी डाल दी गई है और वहाँ पे पूड़ी प्रिपेयर हो रही है। तो हमारे लिए लग रही है जी पूड़ी जानी स्पेशल पूड़ी, क्या बात है, अरे वाह, एकदम देसी घी में प्रॉपरली प्रिपेयर। और ये होता है जी बेस्ट नाश्ता, जम्मू में करना है तो आपको आना है जी जानी दी हट्टी, और करनी है पूड़ी टेस्ट, मैं करता हूँ टेस्ट और बताता हूँ जी कैसा है स्वाद। छोले में डले हैं जी आलू, इसकी प्रिपरेशन आपने देखी थी क्या बढ़िया सी थी, और आलू का खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही, इतनी बढ़िया आ रही है, क्या बताऊँ आपको। पहले ये छोले और आलू का मिश्रण ही टेस्ट करता हूँ मैं, कैसा है स्वाद। स्लो कुकिंग की वजह से ना उसका टेस्ट एकदम बदल गया, और ये आलू जो है ये थोड़े मसालेदार हैं, थोड़े स्पाइसी हैं, अच्छे हैं, और छोले जो है कैरमलाइज है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, बहुत बढ़िया थी। साथ में जी इन्होंने चटनी और प्याज, ये जी ओरिया, और अब टेस्ट करते हैं जी पूरी। दो प्लेट्स लगी हैं, साथ में मेरे साथ जस्सी हैं, तो जस्सी भी खाएंगे और मैं भी खाऊँगा, पहले मैं टेस्ट करता हूँ फिर उनको खिलाऊँगा। बीच में डलिए जी पिट्ठी, बनाते एक अपने लिए बाइट। ये आलू, सॉरी ये आ गए जी छोले, ये आ गए आलू, ये एक बाइट बन गई, एक करता हूँ टेस्ट और बताता हूँ कैसा स्वाद। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं खत्म, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, फूड पंडित इस्लाम है जी चैनल का, और हम करते हैं स्वाद इसको करते खत्म, बाय बाय।